सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रांजलि मिश्रा 12 वर्ष की सातवीं कक्षा की छात्रा लुधियाना पंजाब से आप सभी के समक्ष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बापू आज अगर तुम होते। सत्य के प्रयोग करता वो अहिंसा के अवतार है, महावीर और बुद्ध के सिद्धांतों के साक्षात्कार है। सत्याग्रह के सूत्रधार वो अहिंसक क्रांतिकार है, भारत माँ के सपूत वो आजादी के कर्णधार है। सर्वधर्म संभाव के प्रेरक शांति दूत साकार है, जन जन का आदेश बने वो गांधी एक विचार है, गांधी एक विचार है। बापू आज अगर तुम होते, बापू आज अगर तुम होते तब भी यही सुनते और सोचते कि आज भी देश में वही आलम है। देश में जिधर भी जाता हूँ उधर ही एक आवाज सुनता हूँ, जनता को तोड़ने के लिए भूकंप लाओ, घुप अंधेरे में फिर अपनी मशाल जलाओ, पूरे पहाड़ हथेली पर उठाकर पवन कुमार के समान दर्जो, कोई तूफान उठाने को कभी गर्जो गर्जो गर्जो। उस आंधी का था जिसने हमें जन्म दिया था, तब भी हमने गांधी के तूफान को ही देखा, गांधी को नहीं। वह गर्जन और तूफान के पीछे बसते थे, सच तो ये है कि अपनी लीला में तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। वे गर्जन और तूफान के पीछे बसते थे, सच तो ये है कि अपनी लीला तूफान और गर्जन को शामिल होते देख वे हंसते थे। तूफान मोटी नहीं महीन आवाज से उठता है, तूफान मोटी नहीं महीन आवाज से उठता है, वह आवाज जो मोम के दीप के समान एकांत में जलती है, और बाज नहीं कबूतर के चाल से चलती है। गांधी तूफान के पिता और बाजों के भी बाज थे, क्योंकि वे नीरवता की आवाज थे। गली गली भय से कांपी थी, गली गली भय से कांपी थी, गांव शहर सहमे थे अंग्रेजी जल्लादों के सामने। भय से कांपी थी, गांव शहर सहमे थे अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी, पर तुमने जब अलख जलाई गोरी नस्लें भी कांपी। बिना हथियार लड़े हो फिर भी हार गए शैतान, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम। धन्यवाद।